नमस्कार भिवर्स, आपण मानक रिसेस किचन को पुणि थे बहुत बहुत स्वागत। आज मुझे आपरे कंचा आंब सोरिष बटा दे किपर आंब खटा प्रस्तुत करेंगे ताेयर करेंगे। बनवा यहाँ बहुत इजी होता है, खायापी बहुत ही टेस्ट लगी थाए। तो यही रेसीपी आगु मुझे कंचा आंब खटा रेसीपी सेयार कर सारी और तार लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बक्स देदेवि से क्लिक कर चेक करने। तो आज रेसीपी जदि आपण मानक भल लगे तो प्लीज मो चैनल को लाइक करेंगे, अधिक रु अधिक शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करे। तेज चलो तो स्टार्ट करवा आज आंब खटा रेसीपी। सोरिष बटा दिया आंब खटा प्रस्तुत पाई एठी ए सब सामग्री नहीं जाइए। एठी कंचा आंब बड़ बड़ आंब 4-5 टी को चोपा छड़े यहपरी क्यूब सेप सब काटे आउ चोपा छड़े ही ने आंब को ना कसा कसा लगे। तापर एटे मु रखी नहीं छे पंच फुटण गोटे चामच रखी छे, किछि भृसंग पत्र नहीं छे, किछि हेंगु रखी छे, हलदी गुंड अध चामच रखी छे, लंका गुंड स्वाद अनुसार रखी छे। एटे मु नै जाय छे मसला हिसाब रे 2 चामच सोरिष, 4 कुला रसुण, 2टी सुखा लंका, तो एटे जीरा किंबा अदा बटा जीवो नहीं। तो मीठा अनुसार एटे मु गुड़ रखी नहीं छे, आपण चाहिले चीनी मध्ये नै परिबे। स्वाद अनुसार लुण नै जाय छे एवं किसी रिफाइंड तेल नहीं। तो प्रथम आम मसला को बाटी नवा, तो से गोटे ब्लेंडिंग जारे सोरिष रसुण जीरा को पकई नहीं पा दे फाइन पेस्ट बनईने। तो ये आम मसला प्रस्तुत हो जाए, चलत तो खटा प्रस्तुत करवा। से आंब को प्रथम मुझे ने तो ये सीझेपाई मुझे गोटे ग्लास पा दे कंचा आंब को पकई ने बास गोटे बांफ आसला जाए सीझे ने बेसी सीझे भी नहीं। तो सीझे कर खटाटा करने द्वारा बहुत भल लगी था, कसा पा लग न था, आंबटी कसा पा चली जाए। देखिपे ये गोटे फुटण हो जाए, आंबटी सफ्ट हो जाए। एवं आग आम पा काढ़ी नवा। तो से ही कड़े मुझे तेल देने, तो ये आवश्यक अनुसार मुझे 2 चामच तेल नहीं जाऊँ। बास यही समय तेलटी आमर गरम हो सारा, एवं आम से पंच फुटण को पकई नवा। तो फुटण पकई फुटण को फुटापाई टी समय एपट सेपट कर छाड़ नवा। तो ये फुटणटी फुटि सारा, एवं आम से भृसंग पत्र को पकई नवा, जहाद्वारा भल फ्लेवर आसी था खटार। बास भृसंग पत्र पकई बाटी रखी मसला को से पकईवा, मसला को पकई भल भाव मसलाटी को कसई नवा। तो ये आम से स्वाद अनुसार लंका गुंड आउ हलदी देन। तो लंका बाटी तेणुक रागटी देखिक देवे, बास एति के ही पकईवा। एवं आपको भल भाव मिक्स कर नवा आउ कंचा स्मेल गला पर्यंत मसला को कसईवा। तो मझे मुझे कभर कर नहीं, कभर करने द्वारा मसलाटी शीघ्र सीझी जाए। तो ये देखिपे मसलाटी आमर ड्राई हो सारा, एवं आम से सीझे रखी कंचा आंब को पकई नवा। तो ये कंचा आंब को पकई स्वाद अनुसार लुण पकई ने बास आपको भल भाव गोल नवा। तो देखुं प्रोसेस गुड़िकत इजी हो बनबार, तो आवश्यक अनुसार पा दे नवा। तो खटाटी जदि आप बेस पतला लोड़ा टी अधिका पा दे, आदि बहला लोड़ा तेज अल्प पा दे। तो ये पा दे कभर कर ने। तो ये आम से स्वाद अनुसार मीठा दे नवा। तो ये मुझे गुड़ दे गुड़ी दबा द्वारा खटार कलर टी भल आस। तो ये मुझे स्वाद अनुसार मीठा दे आपको यहीपर टे दाबी ने जहाद्वारा फुटला बेले गुड़ी मेल्ट हो। तो आपको एवं मुझे 2-3 मिनट जाए कभर कर फुटवाक छाड़देवि, जेहेतु आंबटी सीझे बेस फुटवाक छाड़बी ने। तो देखिपी आमर आंब खटाटी ग्रेवी मरी आसला, झोलटी बहला हो सारा, आउ बहुत भल बास्ना आसुच्छे। तो ये लास्ट ओल्हला बेले आम एंगु कि पकई नवा, जहाद्वारा भल फ्लेवर आल बास्ना आस। तो बास एतिकी आमर सोरिष बटा दिया आंब खटा प्रस्तुत हो गला। तो निश्चित यहपरी खटा प्रस्तुत करूँ। एबे तो कंचा आंबर सीजन चली, कंचा आंब इजिली मिल जाऊँगी, आम आंब खटा रेडीगला। एवं चलतु यार आम टे प्लेटिंग करवा, खावापी तो खटाटी बहुत ही पसंद आए। तो गैस फ्लेम को बंद कर नहीं, गोटे प्लेट नहीं जाइए, से प्लेट्रे मुझ प्रस्तुत करे।
प्रस्तुत कर रखी आंब खटा तो सोरस बटा दिए आंब खटा टी देखे ना के इजी होगा आदि बिना पिज रसुण करने चाहते रसुण को स्किप कर दिंतु आकी सामग्री को दिंतु। तो ये आम झटाफट प्रस्तुत हो गला सोरस बटा दिए आंब खटा। तो आशा करूँ निश्चय आपड़ रेसीपी को ट्राए करेंगे आज रेसीपी आपँ को बहुत ही भल लगे। जदि आज रेसीपी भल लगे तेज प्लीज मो चैनल को लाइक करेंगे अधिक रु अधिक शेयर करे सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करदे तो मुझे पुणी आसपी यहीपर किसी नुआ रेसीपी नहीं से पर्यटन विदाय दिंतु रोचे धन्यवाद भल खातु भल रुंतु।